बिसमिल्लामरिम असलकम सी एस सिक्स ज़ीरो फ़ाइव इंजीनियरिंग टू बहुत ज़्यादा डिमांड थी एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैंने रेगुलर के लिए आर्डर दिए हुए थे फ़ाइल दिए हुई थी वो कल सबमिट हुई और उसके आर्डर्स इशू होने थे तो मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ देट्स वाई असाइनमेंट्स नहीं बन रही पहले छुट्टियाँ होती थी मुझे गर्मी की तो बन जाती थी अब मुश्किल हो रहा है लेकिन कोशिश की है अब आपके सामने हुआ है मेरा वो भी देख लीजिएगा आपने सिर्फ इंडेक्स नंबर लिखने होते हैं लास्ट टाइम भी मैंने बताया था वन टू थ्री फोर मेरी पहली असाइनमेंट में सबके पूरे नंबर आए हैं मेरी सेकेंड असाइनमेंट डेंजरस होती है लेकिन इस दफ़ा मैंने चैलेंज लेके के जी पूरे नंबर आने चाहिए लास्ट टाइम मुझे काफ़ी सारा ब्लेम भी किया गया के जी आपकी सेकेंड असाइनमेंट क्यों नहीं सही होती तो इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं सैकेंड असाइनमेंट के पीछे पढूं और पूरे नंबर लेके दूं। मैंने दस तारीख को ये शुरू उन्नीस को मैंने शुरू की थी और उसका मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा आ, कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा इसको स्टडी किया जाए ट्रिकी है इसी तरह सिक्स फिफ्टीन है इसी तरह सिक्स ज़ीरो थ्री है सारे लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं बनाई सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर दिया आप लोगों ने सिर्फ ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखना है ये टोटल एट है नीचे बॉक्सेस टेन हैं तो इनमें से कोई ना कोई रिपीट होगा और वहीं पर ही ट्रिक है दो तीन जो हैं वो पिछली दफ़ा फ़ाल वाले भी हैं फॉल 2021 में मैंने बनाई थी तो उसमें से तीन तो वो हैं तो बाकी पांच की बात है वही देखने हैं और लेकिन इस दफा उन्होंने काफ़ी बड़ा दे दिया कंसिडर एन ओल्ड हेज क्लिपर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ वन स्विच फॉर इट्स ऑपरेशन द डिवाइस स्टार्ट इमीजिएटली एक का स्विच एक है और वो इमीजिएटली स्टार्ट हो जाती है तो क्या वो सेफ़ होगी आफ्टर द सिंगल स्विच इज़ बीग प्रोसेस्ड प्रेस्ड एश्योर इट्स सिंपलिसिटी एज कम्पेयर टू इट्स मॉडर्न हेज क्लिपर डिवाइस विच यूज एट लीस्ट टू स्विचेस उसमें दो स्विचज हैं एंड इन एडिशन प्रॉबर्ली समस्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ स्विचज मस्ट भी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू प्रपेयर द डिवाइस एंड द स्विचेज़ आर अरेंज इन अ वे दैट यू वुड नीड बोथ हैंड्स फॉर एक्टिवेशन मतलब दोनों हाथ हैं तो जब दोनों होंगे तो चलेगी तो इस तरह क्या होगा कि वो और ज़्यादा सेफ़र होगी एक का दबाया फ़ौर तो फिर ड्रामा स्टार्ट हो सकता है तो मेरे ख़्याल से ये जो उन्होंने पूछा है नीचे बेस्ड ऑन द डाटा यू कुड हैव सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ओल्डर तो मेरे ख़्याल से सेफ़्टी इसमें कम है रिलायबिलिटी इसमें ज़्यादा है क्योंकि कम इलेक्ट्रॉनिक्स और वो चीज़ें सेफ्टी कम है रिलायबल ज़्यादा है नंबर सिक्स मेरे ख्याल से है नंबर uh, सिक्स है रिलाइबल बट लेस सेफ सेफ़ क्यों नहीं है क्योंकि एक स्विच है और उसकी वजह से मैंने इसको सिक्स कहा अदरवाइज़ आप अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है मैंने तो यहाँ उर्दू में ट्रांसलेशन की है एक पुराने पुरानेज क्लिपर डिवाइस पर गौर करें जो कि इस ऑपरेशन को एक स्विच पर मुश्तम है जो कि आला सिग्नल स्विच दबाने में फ़ौर बाद शुरू हो जाता है जब फ़ौन शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कोई ना कोई पंगा तो हो ही सकता है तो रिलायबिलिटी शायद इसकी ज़्यादा हो जाए लेकिन जो सेफ्टी है वो इसके अंदर कम है दैट्स वाई मैंने इसको नंबर सिक्स दिया है आप लोग देख लीजिएगा अल्लाह करे ये सही हो नंबर सिक्स यानी रिलायबल है बट लेस सेफ है क्योंकि उसमें दोनों हाथ यूज़ होते हैं एक्टिवेशन के लिए तो वो सेफ़र ज़्यादा होगा आई थिंक सो मैं इसके साथ जाऊँगा मैंने यहाँ सिक्स लिखना है नेक्स्ट वन कंसिडर कंस्ट्रक्टिंग सॉफ्टवेयर ऑफ ऑपरेटिंग एंड ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम ये ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो ये जिसमें नमेरिक वैल्यूज़ आ जाएं स्टैटिकल वैल्यूज़ आ जाएं उसको हम क्या कहते हैं वो चीज़ नोट करने वाली है ये मैं पढ़ पढ़ के बैठा हूँ रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी क्लोजली रिलेटेड सॉफ़्टवेयर रिलायबिलिटी यूज़ स्टैटिकल टेक्निक टू डिटर्मन द द सॉफ्टवेयर फेलअर तो जब स्टैटिकली यूज़ हो रहा है तो आई थिंक सो आई कैन गो विद द रिलायबिलिटी रादर देन सेफ्टी तो मैं जिसमें नमेरिकल वैल्यू स्टैटिकल वैल्यू आ रही हैं तो मैं उसके साथ जाऊंगा नंबर एट क्यों क्योंकि इसमें ये कैलकुलेशन परसेंटेज आ गई हैं तो नंबर एट के ऊपर हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी तो उसने यहाँ पे मैंने क्यों सॉफ़्टवेयर रिलायबिलिटी लिखा है उसकी वजह आपके सामने है कि ये इसकी स्टैटिकल वैल्यूज़ आ रही हैं आई थिंक सो आपको बात समझ आ जाए और अल्लाह करे ये ठीक हो मैंने तो आपको अपनी वजह बता दी है क्यों लिखा है उसके बाद नेक्स्ट वन है कंसीडर अ सिनेरियो लेवल ग्रेड क्रॉसिंग विच इज़ हैविंग हैंडल बाय देयर इंडिपेंडेंट एंड रिडेंडेंट कंट्रोलर्स ईच कंट्रोलर वुड बी एबल टू हैंडल क्रॉसिंग इट्स ऑन अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑल थ्री कंट्रोलर वुड प्रोड्यूस आइडेंटिकल आउटपुट सिग्नल फ्राम द सेम यहाँ पे वो कहता था फेल ओवर वन रिडन कंट्रोलर कैन टॉलोरेटेड एक अगर कंट्रोलर तीन में से फेल हो जाए तो कोई मसला नहीं है दो भी वही वैल्यूज़ देंगे एक्यूरेट वैल्यूज़ देंगे तो जब ये सीन हो जाए तो मैंने नंबर वन इसको दिया है नंबर वन है रिलायबल एंड सेफ क्योंकि रिलायबल भी है और सेफ्टी भी है कोई ख़तरनाक रिजल्ट नहीं आने वाले तो रिलायबल है मतलब रिलायबलिटी पे कोई असर अंदाज़ नहीं हो रहा और सेफ भी है आ, जो डिवाइस बनी है वो कोई फिलवर नहीं लेके आएगी कोई बहुत ही मिस ऐप नहीं होगा दैट्स वाई आई एम यूजिंग नंबर वन रिलायबल एंड नेक्स्ट वन कंसिडरिंग अ स्मोक डिटेक्टर डिवाइस प्लेस इन अ बिल्डिंग विच प्रोड्यूस मैनी फॉल्स अलार्म एज दिस डिवाइस इज़ प्रोड्यूसिंग मैनी फॉल्स अलार्म विच मीन इट इट अनाउंस डेंजरस सिचुएशन इन रियालिटी एवरी थिंग इज नॉर्मल हालांकि नॉर्मल होती है द सेंसर एलिमेंट ऑफ द स्मोक डिटेक्ट मे बी टू सेंसिटिव एंड देयर फॉर ए स्लाइड सेंसिटिविटी रिडक्शन मे इम्प्रूव द परफॉर्मेंस वट डू यू थिंक अबाउट सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी आई कैन गो विद नंबर फोर चलते हैं नंबर फोर के ऊपर सेफ बट लेस रिलायबल नंबर फोर मैंने इसको दिया है सेफ़ तो है मतलब सेफ़्टी का तो वो ख्याल कर रहा है कि थोड़ी सी भी कोई ऊपर नीचे हुई तो फ़ौर वो अलार्म बजा देगा सेफ़ तो है लेकिन रिलायबल नहीं है रिलायबल क्यों नहीं है क्योंकि कभी भी अलार्म बज जाएगा तो कभी भी ऊपर हमारे पानी गिरने लग जाए तो फिर क्या हुआ रिलायबलिटी तो नहीं है लेकिन सेफ है नेक्स्ट वन कंसिडरिंग कंस्ट्रक्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑपरेटिंग तो डोर कंट्रोल को करना था तो जैसे ही कोई इमीडिएट चीज़ बीच में आ जाएगी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए डोर को बंद होना चाहिए तो ये ना होगा वो सिर ले जाए किसी का तो नंबर टू जो है वो नंबर टू सॉफ्टवेयर सेफ्टी सॉफ्टवेयर सेफ्टी मिस ऐप से बचाता है तो मैंने इसलिए नंबर टू लिखा है ये आपने देख लेना कि मैं किस नंबर पे हूँ मैं बारी बारी आगे जा रहा हूँ तो ये आप देख लें डोर वाला जो है उसके अंदर मैंने नंबर टू लिखा है तो ये चीज़ होगी वजह सुन के जाया करिए तभी आपको समझ आएगी तभी आप उसके ऊपर खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज़ टू मिनिमाइज़ द चेंज वेरिएशन एज़ मच एज पॉसिबल तो ये जो चीज़ होती है ये लास्ट टाइम भी आई थी उसमें मैंने यही आंसर आई थिंक सो लिखा था चेंज और वेरिएशन तो आप अगर इसको हैंड आउट्स में ढूंढेंगे तो आपको छः सात जगह पे मिलेगा चेंज एंड वेरिएशन तो वो मैं आपको दिखा रहा कि वो वेरिएशंस की जो बात करता है ये द बेसिक प्रिंसिपल क्वालिटी कंट्रोल इज़ कंट्रोल वेरिएशन एज़ वेरिएशन कंट्रोल तो ये जो है ये किस में लाक आ रहा है वेरिएशन वेरिएशन क्वालिटी कंट्रोल के अंदर दैट्स वाई आई पुट दिस इन टू नंबर थ्री तो नंबर थ्री इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल आई एम श्योर मैंने यही सबसे पहले लगाया था क्वालिटी कंट्रोल तो ये नंबर थ्री इसलिए मैंने लगाया Next one, number five है नेक्स्ट वन नंबर फाइव है वैन वी टेंड टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल प्रोसेस एंड मिथ तो ये क्वालिटी इंश्योरेंस का जो है वो मिथ है क्वालिटी इंश्योरेंस मिथ के ऊपर आप टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे नंबर फाइव मैं लगाने जा रहा हूँ जिसमें ये मिथ वर्ड आता है फाइव नंबर फाइव कौन सा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस इसको अगर आप सर्च करेंगे इस सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस इज़ अ मिथ और आ रियलिटी तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे बहुत सारे रिसर्च uh, पेपर मिलेंगे उसके अंदर से आपको ये क्लियरली होता है कि ये ये जो चीज़ है ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस के रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस आपके पैराग्राफ में भी दिया हुआ है कि इट इज़ अ ओवरऑल कॉस्टली इट विल इंक्रीज द कास्ट तो आपके हैंड में भी दिया हुआ है कि वहाँ प्रिंसिपल प्रोसेस प्रैक्टिस जो हैं और ये एक्चुअली इट्स कंसिडर एज अ मिथ तो आई एम श्योर इसके बारे में मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ इसके बारे में भी मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ और नंबर सेवन के ऊपर हम बात करेंगे नंबर सेवन ये अगेन ये तीनों जो थे ये लास्ट टाइम फॉल के अंदर आए थे परफॉर्मिंग क्वालिटी श्योरस प्लानिंग ओवर साइट ये वर्ड हमें ले जाएगा हैंड आउट्स के अंदर और मेरा ख्याल है यही हमें एक छोटी सी बात दी थी उसने सॉफ्टवेयर क्वालिटी और ग्रुप इज अ रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग ओवर साइड रिकॉर्ड कीपिंग एंड ये वो या तो ये जो है नंबर सेवन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस तो नंबर सेवन मैं आपको दिखा लाऊं कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस एस क्यू ए ग्रुप इसका आंसर है नंबर सेवन जो मैंने लगाया है नंबर सेवन के बाद नंबर एट है कंसिडरिंग अ टेक्स डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कंटेन लट ऑफ बग्स एंड फेल्स मल्टीपल टाइम ट्यूरिंग अदर हैंड दिस फेलर ऑफ़ द सॉफ्टवेयर डज नॉट यूजुअली तो इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और इसलिए हम नुकसान जहां पे ना ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर रिलायबल है सॉफ्टवेयर रिलाइबलिटी इसके ऊपर हम लिख सकते हैं नंबर एट डॉक्यूमेंट जो है वो A baby uh, considering a text document processing application that contain a lot of bugs and fail multiple time during its operation on the other hand this failure of the software doesn't usually cause any significant damage or financial losses Hanji number seven to clear ho gaya. number नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं और मेरे ख्याल से ये फोर है और ये मैंने अभी ड्यूरिंग वीडियो और दोबारा इसको कंसिडर किया है uh, पहले मुझे लग रहा था लेकिन क्योंकि इसमें नमेरिक वैल्यूज़ नहीं यूज़ हो रही स्टैटिकल तो ये नंबर फ़ोर ही लगता है मुझे क्योंकि कंसिडर द डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कंटेन्ज अ लॉट ऑफ बाग्स एंड फेल्स मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन फेल तो होता है लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता तो ये जो है वो सेफ़ है बट लेस रिलायबल है सेम टू सेम नेक्स्ट वन में आ, जो है वो सेफर है जो न्यू एप्लीकेशन है आ, और लेस रिलायबल है द डाउन साइज अफेक्ट मॉडर्न वन इज़ दैट सेफ़ बट लेस रिलायबल लेस रिलायबल इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और डिसाइड दैट अबाउट डेट ऑफ से मॉडर्न स्टार्ट विच अनाउंसमेंट लास्ट uh, पॉइंट जो है इसमें मैं अगेन नंबर फोर को काट के नंबर वन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आ गए दोनों हाथ भी इस्तेमाल हो गए तो ये रिलायबल भी है और सेफ़ भी है तो मेरे ख्याल से ये दोनों काम करेगा तो लास्ट पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से रिलायबल भी है और सेफ़ भी है ये वन होगा मैं एक दफा फिर आपको चक्कर लगवा दूँ इसका पहले का सिक्स दूसरे का एट तीसरा वन फोर टू थ्री फाइव सेवन फोर वन तो मेरी लाइन कुछ ये होगी आप लोग देख लीजिएगा और नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर टू उसमें हम लोग एक गैंट चार्ट बनाना है और कंसीडर अ सैम्पल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैविंग टू मेन फेजेस. ईच फेज कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन टास्क रिक्वायरमेंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट तो हमें एक वेबसाइट पर जाना है और उस वेबसाइट का नाम है क्लिक अप क्लिक अप के ऊपर आपने हाँ जी अब हमने क्वेश्चन नंबर टू पे जाना है जिसमें उन्होंने कुछ काम दिया हुआ है पॉइंट नंबर का है लेकिन काफ़ी टाइम ले जाता है तो लेकिन आपकी स्किल के लिए है कि आप गैंट चार्ट बनाना सीख लें गैंट चार्ट क्या होता है इसमें हमें एक वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट का नाम है क्लिकअप इस पर आपने अपना लॉग यानी साइनअप करना है एक कोड वेरिफिकेशन आएगा वो देना है उसके बाद यहाँ पर दस बारह सवाल आएंगे वो आपने जल्दी जल्दी सेलेक्ट करके यानी मेरे सामने विंडो आती है उस पर क्लिक करते जाना है और ओके करके नेक्स्ट जाते जाना मतलब एक नंबर वन टू थ्री फोर वो पूछता रहता है तो उसके बाद आप लोगों ने जब इस जगह पे आ जाना है इसके होम पेज के ऊपर क्लिक आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पेस लिखा होगा तो ये मैं अभी आपको बनाना सिखा देता हूँ और इसमें लेकिन ये चीज़ें समझ नहीं है ईच फेज़ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन टास्क हमें दो फेज़ दिए हुए हैं नंबर वन फेज नंबर टू दोनों में सेम हमें सब टास्क दिए हुए हैं रिक्वायरमेंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और ये सारे सिक्वेंशली होंगे लेकिन कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक हैं तो रिक्वायरमेंट फॉर फेज़ टू सेकेंड फेज़ की रिक्वायरमेंट बिगेन होंगी पहले वाले की कंप्लीशन के ऊपर मतलब जिस दिन उसकी लास्ट डेट होगी उससे अगले दिन जो है वो या उसी दिन हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं मेरा ख्याल उससे अगले दिन होती है बट द डिज़ाइन फॉर द फेज़ टू मस्ट वेट सेट्सफैक्ट्री डिवेलपमेंट ऑफ द फेज़ वन डिज़ाइन तो जो फेज़ वन का डिज़ाइन कम्प्लीट होगा तब सेकेंड का डिज़ाइन शुरू होगा बट द डिज़ाइन ऑफ फेज़ टू मस्ट वेट सेट्सफैक्ट्री डिवेल्पमेंट ऑफ द फेज़ वन डिज़ाइन मतलब फ़ेज़ वन का डिज़ाइन कम्प्लीट होगा तो हम फेज़ टू मतलब दोनों डिज़ाइन भी लिंक होंगे पहले वाले का डिज़ाइन ख़त्म होगा तो फिर दूसरे की डेट शुरू होगी पहले वाले डिज़ाइन की लास्ट डेट से नेक्स्ट शुरू होगा इसी तरह रिक्वायरमेंट टास्क इज़ एक्सपेक्टेड टेक फोर वीक्स ये आप बता दिए कि पहले वाले रिक्वायरमेंट के चार हफ़्ते होंगे फिर दो तो हफ्ते होंगे तो इनको क्लोजली पढ़ना है फिर आप बना सकते हैं सही वाला तो लेकिन ये असल में एक पूरा ड्रामा है तो आपने जब लॉग इन कर लेना साइनअप कर लेना इधर आ जाएंगे तो बड़ा सिंपल सा है इसमें ये होता है स्पेस और फिर सो ऑन स्पेस नहीं बनानी हो तो इस पर क्लिक कर दें जैसे आप अपनी आईडी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होएगा बीस ही दो सौ दो सौ चार दो सौ छः और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह नेक्स्ट आते जाएंगे इस तरह वो कलर पूछता रहेगा कि आपने कौन सा कलर रखना है और अपनी पहले से जो वर्क स्पेस है वो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ उसी के अंदर बन जाएगा यहाँ कस्टम या कोई स्टेटस ऐड करना है तो कस्टम ही मैं रहने देता हूँ क्योंकि मैंने खुद करना है या फिर वो नॉर्मल या कोई चीज़ तो मैं कस्टम ही यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ से ना आप लोगों ने कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो आप बता देंगे प्रायोरिटी टैग मल्टीपल साइन तो इनमें से जो चीज़ चाहिए होगी वो रख लें अदरवाइज़ आई थिंक सो कोई इतनी ख़ास नहीं है जिस तरह है वैसे रहने दें हाँ यहाँ पे एक लिस्ट और ये बोर्ड को बंद कर देना आपने यहाँ से गैंट चार्ट ले लेना ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और बस और क्रिएट स्पेस पे क्लिक कर देना तो ये आपकी वी यू आई डी के लिहाज से यहाँ पे स्पेस बन जाएगी मैं इसको आपको दिखा ही दूँ ये मैंने अपनी बनाई हुई थी जो आपको शुरू में नज़र आ रही है ये देखें थोड़ा स्लो चलता है तो अब ये मेरे वाली नई स्पेस बन गई है जो मैंने अभी बनाई है आपके सामने तो इसमें बड़े जल्दी जल्दी हम चीज़ें बना सकते हैं आपने यहाँ पे लिस्ट के अंदर आना है और ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि आपने क्या करना है टू तो डू लिस्ट और इसके ऊपर मैंने स्पेस के ऊपर भी क्लिक किया तो लिस्ट ओपन हो जाएगी तो मुझे साथ ही गैंट चार्ट भी चाहिए और लिस्ट के अंदर हमने स्टेटस नहीं देखने और ये नज़र नहीं क्योंकि आ रहा था टू तो डू तो फेज़ वन मैं इसका नाम रख दूँगा फेज़ वन और सेव इसी तरह ही फेज़ इसका मैं नाम नहीं रखूँगा और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से और फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा फ़ेज़ वन के तो इसका नाम मैं पूरा रखूँगा रिक्वायरमेंट फिर स्पेलिंग की गलती हो जाए तो देख लें क्योंकि मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ रिक्वायरमेंट उसके बाद सेम टू सेम मुझे स, आ, इसका मैं क्लोजली देख लूँ कि मैंने किस पे क्लिक किया इसके अंदर और फिर आ, ये प्लस का निशान है क्रिएट सब टास्क तो ये ना दूसरे का बना दें डिज़ाइन और फिर नेक्स्ट वन इसके बाद हमने अगेन प्लस के बटन पर क्लिक करना है और डेवलपमेंट uh, तो ये सेव के बटन पर क्लिक कर दें अब हम वापस जा सकते हैं और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वन ये इस फेज़ का पूरा हो गया है और यहाँ पे ये देखें न्यू टास्क लिखा हुआ आ रहा है तो न्यू टास्क का नाम भी मैं क्या रखता हूँ फ़ेज़ टू और फेज़ टू को मैं सेव कर देता हूँ और फेज़ टू के अंदर मैं इसके सब टास्क पे क्लिक कर दिए तो तब मुझे वो इसके भी अब मैं आर ई क्यू यानी पूरा लिखना है अपने रिक्वायरमेंट और आर ई क्यू फिर मैंने डिज़ाइन और फिर मैंने इसका नेक्स्ट वन डेवलपमेंट तो ये एक चीज़ आपकी क्लियर होगी जब ये चीज़ें बन जाएंगी तो अब आप यहाँ से लिस्ट की जान छोड़ सकते हैं और अब आप मूव कर सकते हैं गैंट चार्ट पे अदरवाइज़ आप इसके अंदर ही ये जो एरो है इसको क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे रिक्वायरमेंट पे तो एक बड़ी विंडो आ जाएगी और इसमें आपने आज की डेट या कल की डेट जो भी होगी तो यहाँ पे स्टार्ट डेट पे क्लिक करके आपने देख लेना अगस्त ही हो तो मैंने यहाँ टुडे डेट लिखी और ड्यू डेट क्योंकि चार हफ्तों की थी तो मैं इसको चार हफ्ते इसके पूरे कर देता हूँ एक हफ्ता हो गया दो तीन चार तो मैं ग्यारह तरीख़ इसकी रख रहा हूँ ग्यारह सितंबर और ये लें जी तो ये मेरा उसकी एक टास्क की चीज रिक्वायरमेंट पूरी होगी क्योंकि डेट एंड टाइम लिखना था और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट उसने कहा था इसका बिल्कुल उसी वक्त स्टार्ट होगा जब इसकी ये पूरी हो जाएगी लेकिन अगर हम देख लें तो उसने कहा था रिक्वायरमेंट उस वक्त शुरू होगी जब इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म होंगी ग्यारह को ख़त्म हुई है तो इसका मतलब है कि बारह सितंबर को इसकी रिक्वायरमेंट रखनी है तो मैं पहले जो जिसके साथ लिंक है क्योंकि दोनों चीज़ें बताई हुई हैं तो ये स्टार्ट डेट और फिर मैं नेक्स्ट मंथ के ऊपर चला जाऊंगा और फिर मैं ये 12 सितंबर शुरू करूंगा इसकी स्टार्ट डेट और 12 के बाद दो हफ्ते लेने बारह से 19 और फिर 26 तो डेट वगैरह का फिर आपने देख लेना ये मैं आपको प्रोसीजर ही बता रहा हूँ तो ये रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के साथ मैच होगी अब सेम टू सेम ये जो डिज़ाइन है ये उसके साथ लिंक है और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये भी सेम डेट रखनी है उसने नेक्स्ट दो हफ्ते ही के हैं या तीन हफ्ते हैं मेरा ख़्याल तीन हफ्ते हैं इसको देख लेते हैं टेक फोर वीक्स एंड टू वीक्स फॉर फेज़ टू मतलब जो रिक्वायरमेंट होंगी वो दूसरे फेज़ की दो हफ़्ते लेंगी और डिज़ाइन एक्सपेक्टेड टू तो टेक थ्री वीक्स फॉर फेज़ वन फेज़ वन का जो डिज़ाइन है वो तीन हफ़्ते लगेगा जब तीन हफ्ते कंप्लीट होंगे तब डिज़ाइन टू आ, स्टार्ट करेंगे तो चलें इसके ऊपर चलते हैं और आपको मैं दिखा दूँ कि जी जिस दिन वो कंप्लीट हुआ था आपने यहाँ से मंथ के ऊपर जाना है मंथ ध्यान से सितंबर है और इसका डिज़ाइन उसी दिन रखना है जिस दिन रिक्वायरमेंट पूरी हुई थी और ये ड्यू डेट पे आ गया ड्यू नहीं चाहिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है और ये इसका और इसमें फिर तीन हफ्ते लेने तो तीन हफ्ते यहाँ पे पूरे होंगे अक्टूबर में क्योंकि अगर हम देखें एक हफ़्ता हुआ फिर दो फिर तीन तो ये तीन पूरे हो गए तो ये तीन पूरे होने पे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये हमारा डिज़ाइन भी पूरा हो गया डिज़ाइन के फ़ौर बाद डेवलपमेंट कर सकते हैं तीन से नेक्स्ट दो वीक लेने हैं डिवेलपमेंट में मैंने क्लिक की है और इसको मैं तीन अक्टूबर पे ले चलाऊँ तीन नहीं चार लेंगे और फिर इसकी स्टार्टिंग डेट पे क्लिक करना होता है यही गलती मुझसे होती है चार और भी फिर अठारह और ये मैंने क्लोज़ कर दिया और ये मेरा फर्स्ट का पूरा हो गया इसी तरह क्योंकि रिक्वायरमेंट मुझे डेवलपमेंट उसने कहा था दो दिन ही होनी है दो हफ्ते ही होनी है और ये डिज़ाइन कब शुरू करना था जब हमारा वो वो कंप्लीट होना है यानी फर्स्ट जो थ्री वाला था थ्री सितंबर को थ्री अक्टूबर को जो पूरा हुआ है उस डिज़ाइन पहले वाले के डिज़ाइन पे कंप्लीट होने पे इसने शुरू होना था चार को और फिर इसने दो हफ्ते लेने थे एक हफ्ता दो हाँ जी यहाँ पे दो हफ्ते पूरे हो गए और ये मैंने पूरा कर दिया अब इसका जहाँ पे डिज़ाइन पूरा हुआ है इसकी ड्यू डेट देख लेते हैं अठारह तो दो हफ़्ते अठारह से यानी उन्नीस से आगे हमने सेकेंड फेज़ की डेट सेट करनी है उसको क्लिक करेंगे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से मंथ चूज़ करेंगे अक्टूबर अक्टूबर का जो है वो अठारह थी वो और मैं यहाँ से उन्नीस लूँगा और फिर नेक्स्ट ये उन्नीस होगी और ड्यू डेट इसकी दो नवंबर करके मैंने इसको बंद कर दिया और ये हमारी जी हो चुकी हैं उम्मीद है पूरी हो गई हैं और अब हमने सिर्फ इसका गैद चार्ट पे आ जाना है तो गैंट चार्ट पे इसका व्यू जनरेट हो जाएगा और उसमें आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम को थोड़ा सा यहाँ से टुडे वीक डे को आपने ईयर मंथ करना है और शो करवाना है लिस्ट uh, जो है इसके अंदर फेज वन और ये फेज टू ये हमारा फेज टू खोल लेना आपने ये ये देखें आप ये सारी चीजें पूरी इस तरह नजर आ रही हैं आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना लेना और ये स्निपिंग टूल पड़ा है और स्निपिंग टूल पे जाके हमने न्यू पे क्लिक करना है और ये जी इस तरह अपनी डेट एंड टाइम लाजमी बीच में आनी चाहिए आ, इसको बेशक क्लाक को आगे पीछे कर लें तो किसी की भी बना सकते हैं मतलब इक्कीस डेट कर लें तो बीस कर लें जो दिल करे आपका चेंज करके फिर उससे बनाई जा सकती है तो कोई इतना बड़ा पंगा नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं तो ये इस तरह बनेगी अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत और अमेंडमेंट्स करनी है तो वो ये होती हैं कि ये इसका डाट पकड़ के इसके साथ लिंक कर देंगे और इसका डाट पकड़ के कि ये इसके साथ लिंक है तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं कि ये इसके साथ लिंक है या फिर आप इसका ये भी कह सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो थी वो इसके साथ लिंक थी तो कौन किसकी डेफिशिएंसी के अंदर आता है उसको आप लगा सकते हैं कि ये ये इसकी वजह से बनेगी ये इसकी वजह से बनेगी तो इसके डिज़ाइन के ऊपर ये इसका डिज़ाइन था इसी तरह ये ख़त्म होगा तो फिर ये डेवलपमेंट होगी इस तरह मैंने आपने अगर बनाना है तो ये भी कर सकते हैं एरो लगा लें तो अच्छी बात है नहीं लगाते तो आपकी यहाँ से ईयर मंथ लादमी सेलेक्ट करना है गैंट व्यू लेके आने के लिए आपको प्लस के व्यू पे क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आपको गैंट चार्ट मिल जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी स्पेस बनाएंगे उसके अंदर फिर लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर फिर आपने डबल क्लिक किया आ, राइट क्लिक कोई चीज़ आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं आ, ले, ए, थ्री ऑप्शंस आ जाएंगे ये जैसे मैंने इसको पूरे को ही आ, डिलीट करना हो तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ लिस्ट के ऊपर जाएं और फेज़ को वन को पकड़ें और ये शुरू में आ रही है तो ये आ जाएगी ये थ्री डॉट्स आ जाएंगे तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आ, कि ये चीज़ हो ना आपसे लेकिन है सही टास्क है सही बड़ा मज़े का ना बने तो फिर मैं हाज़र हूँ फिर मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए और यहाँ से आपने ये पक्का आपने इसको ईयर मंथ करना है और फिर इधर से ये लिस्ट खोल देनी है कि ये जी हमारे इस वर्क स्पेस के अंदर ये हमारे टास्क वन है और यह इनको बस सिर्फ थोड़ा सा स्लाइड करवाना है कि ये जी हमारे टास्क हैं और ये इस तरह करके आप बना लेंगे तो आप इसको शो करवा सकते हैं थैंक यू जी थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप सो यू लाइक इट